डी स्टूडेंट्स नो वी विल डिस्कस करेंट इशूज इन मोटिवेशन मोटिवेशन के अंदर जो इशूज पैदा होते हैं वो कौन से होते हैं क्रॉस कल्चरल चैलेंज पहला इशू आप लोगों की ट्रेनिंग आपकी एजुकेशन पाकिस्तान में हुई है और जॉब आप कह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में या वाइस वर्स आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग हुई है यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप जॉब कह रहे हैं पाकिस्तान में तो कल्चर को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम पैदा हो जाती है जिस वजह से इम्प्लाई मोटिवेशन के बजाय डीमोटिवेट हो जाता है तो कल्चरल की एक्सेप्टेंस के लिए पहले से आपको प्रिपेयर होना चाहिए ताकि आप उसके लिए जब मेंटली प्रिपेयर होंगे तो आप डीमोटिवेट नहीं होंगे बल्कि मोटिवेट होंगे क्रास कल्चरल चैलेंज क्रॉस कल्चरल चैलेंज को अगर मज़ीद देखा जाए तो यहाँ पे कलेक्टिविज्म कल्चर व्यू रिवॉर्ड एज एनटाइटमेंट्स कुछ चीज़ें हम अंडरस्टूड हैं कि वो हमें अनटाइटल्ड होती हैं जो चीज़ें डेजिग्नेशन के अंदर इनहेरिटेड होती हैं इफ़ समन इज़ मैनेजर तो मैनेजर के जितने भी पर्कस हैं बेनिफिट्स हैं वो उसके साथ अटैच हैं इसी तरह एक डिप्टी मैनेजर है असिस्टेंट मैनेजर है तो उनके टाइटल के मुताबिक जो चीज़ें अलाउड है वो उनको अनटाइटल्ड होती हैं क्लास कल्चर अब क्लास कल्चर में माइट पॉसिबल कि वहाँ पे जो उनको अथॉरिटीज अवेलेबल हैं वो कम हों या ज़्यादा हों लेकिन जैसे आप परसीव कर रहे हैं वैसे ना हों मैनेजिंग क्लास कल्चरल मोटिवेशन चैलेंजेस आप इनको फिर मैनेज कैसे कर सकते हैं मोटिवेशनल प्रोग्राम्स आर मस्ट अप्लीकेबल इन कल्चर वे इंडिविजुअलिज्म एंड अचीवमेंट्स आर कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल की अचीवमेंट कोलेक्टिव ग्रुप की अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं अगर एक इंडिविजुअल बंदा इन टाइम अपना गोल अचीव कर लेता है तो वो हेल्प करेगा डिपार्टमेंटल गोल को अचीव करने में जब डिपार्टमेंटल गोल अचीव होंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होंगे इन सब चीज़ों में कल्चर का बहुत अमल दखल है एक तो कंट्री का नेशनल कल्चर है और एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है अगर नेशनल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं एक बच्चे की बीस साल बटप होती है नेशनल कल्चर में फिर वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनता है तो अगर वो कल्चर रिफ्लेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उन दोनों के अंदर हारमोनी डेवलप की गई है तो वहां पे उसकी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी यहां पे अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिस चीज पे फोकस पर स्टूडेंट्स हमारा है वो ये है कि इंडिविजुअल एफर्ट की बजाय क्लेक्टिव एफर्ट पे फोकस करें क्लेक्टिव एफर्ट के अंदर स्नर्जिकल एफर्ट्स होती है एक दो या दो से ज्यादा फोर्स जब दो से ज्यादा फोर्सेज होंगे स्नर्जिकल एफर्ट उसके रिजल्ट ज्यादा बेटर होंगे एज कंपेयर टू इंडिविजुअल एफर्ट्स से मोटिवेटिंग डाइवर्स वर्क फोर्स डाइवर्स का मतलब है कि जेंडर एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नेशनैलिटी कल्चर इन बेसिस के ऊपर वेरिएशन पाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन में इसे डाइवर्सिटी कहते हैं मैनेजिंग डाइवर्स वर्क फोर्स वर्क फोर्स इंप्लाइज़ को कहते हैं मैनेजिंग के इंप्लाइज कुछ कम एज के हैं कुछ ज़्यादा एज के हैं को मेल हैं को फीमेल हैं को पाकिस्तानी है कोई श्रीलंकन है कोई अफ्रीकन है या कुछ मुस्लिम्स हैं कुछ नॉन मुसलिम्स हैं इन सब बेसिस पे जो फ़र्क पाया जाता है एम्प्लॉज को उनको मैनेज करना इट इज़ नोन एज मैनेजमेंट ऑफ वर्क फोर्स डायवर्सिटी अब यहाँ पे सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है बल्कि अगला पॉइंट है मोटिवेट डाइवर्स वर्क फोर्स आपने हर एम्प्लॉ को उसके माइंड के मुताबिक मोटिवेट करना है फिर आप उससे डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करवा सकते हैं अदरवाइज आप उससे डिजायर रिजल्ट अचीव नहीं करवा सकते मोटिवेटिंग डाइवर्स वर्क फोर्स को अगर मजीद देखा जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे अहम है वो फ्लैक्सीबल वर्किंग आर है एम्प्लाई को लिटिल बेड फ्रीकेंसी फ्रीकुेंसी के साथ एम्प्लाई को आप लोग रिलैक्स रखें काम लें टास्क दें लेकिन यहाँ तक ना फोकस करें कि हाउ ही इज डूइंग दैट टास्क यू शुड फोकस ऑन आउटकम रादर दैन प्रोसेस एम्प्लाई के रिजल्ट क्या दे रहा है आपको उस पर फोकस होना चाहिए वो रिजल्ट अचीव कैसे कर रहा है उस पर फोकस करेंगे तो एम्प्लॉय विल बी डिसटिस्फाइड तो एम्प्लॉय को फ्लेक्सिबल रखने के लिए दो घंटे काम के बाद रिलैक्स करें पंद्रह मिनट चार घंटे टाइम के बाद लंच ब्रेक दें फिर दो घंटे के बाद टी ब्रेक दें फिर आठ घंटे के बाद आप उसको ऑफ दें अगर आप इस तरह एम्प्लॉय का ख्याल रखेंगे फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल उसको देंगे सैटरडे संडे ऑफ देंगे या सम टाइम इफ़ ही शी हैज फेसिंग सम प्रॉब्लम आप उसको रिलैक्स कर देते हैं तो इस तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल अप होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा बेहतर काम करेगा मोटिवेटिंग डाइवर्स फोर्स के अंदर सम टाइम अब जॉब शेयरिंग करके टेली कम्यूटिंग करके जॉब शेयरिंग क्या है टू आर मोर पीपल सप्लेट अ फुल टाइम जॉब एक फुल टाइम जॉब है आठ घंटे की दो बंदे चार चार घंटे जॉब कर लेते हैं तो हमें कोई साधन नहीं है हमारी आउटकम अचीव हो रही है और वो जो जॉब है उनकी वन हंड्रेड डॉलर या फिफ्टी डॉलर ईच पे कर देते हैं तो जॉब शेयरिंग से एम्प्लाई भी मोटिवेटेड हैं टास्क भी अचीव हो रहे हैं यू कैन डू इट टेली कम्यूटिंग एम्प्लाईज़ वर्क फ्राम होम यूजिंग कंप्यूटर लिंक्स अगर जॉब की नेचर इस तरह की है कि आपको फिजिकल इंप्लाई की नीड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन डू टेली कम्यूटिंग जैसा कि कोरोना के दिनों में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ पॉसिबल हुई है कि लोग घरों में बैठ के काम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में मुतासर नहीं हुई तो टेली कम्यूटिंग इज आल्सो वन सार्ट ऑफ एक्सीलेंट फिनामिना एंड एक्सीलेंट आइडिया विद दी हेल्प यू कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल मोटिवेटिंग प्रोफेशनल्स के कुछ करेक्ट्रिस्टिक्स हैं करेक्टिस्टिक्स प्रोफेशनल स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू देर फील्ड लॉयलिटी नीड डोंट डिफाइन दे वर्क एल ए टू फाइव जब ये काम आप करेंगे तो एम्प्लॉय विल भी मोटिवेटेड अब आपको मालूम है कमिटमेंट कब डिवेल्प होती है एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डेजिगनेशन के मुताबिक सैलरी दी जाए फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरमेंट दिया जाए टास्क फ्लेक्सिबल्स हों टास्क बनाते वक्त एम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन गोल जब सेट हो तो उसका हिस्सा हो और जो इम्प्लाई की नीड है उसका ख्याल रखा जाए वर्क लाइफ बैलेंस का ख्याल रखा जाए ऑटोमेटिकली आर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉज हैं वो मोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे मोटिवेटिंग प्रोफेशनल्स मोटिवेटर फॉर प्रोफेशनल जॉब चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट ऑफ द वर्क ये दो पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट जॉब इतनी ईजी भी ना हो कि इम्प्लाई रिलैक्स हो जाए लिटिल बिट जॉब मस्ट भी चैलेंजिंग वन और आर्गेनाइजेशन सपोर्ट ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट अगर नहीं होगी तो इम्प्लाई कभी भी कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता मैं एक एग्जाम्पल छोटी सी देता हूँ आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर टू यू पीपल अगर यहाँ पे विचुअल यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट मुझे स्पोर्ट ना करे जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है प्रोवाइड ना करे तो इट इज़ पॉसिबल आई कैन अचीव माई गोल नो इट इज़ नॉट पॉसिबल इसी तरह ऑर्गेनाइजेश्स के अंदर भी जब तक मैनेजमेंट -man की सपोर्ट नहीं होती इम्प्लॉई उस वक्त तक कभी भी अपने गोल अचीव नहीं कर सकते मोटिवेटिंग कॉन्टीजेंट वर्कर्स अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ परमानेंट एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग इक्विटी इन कंपनसेशन एंड बेनिफिट ये चीज़ें हैं जो इम्प्लॉ को मोटिवेट करती हैं आप एक अच्छे अदारे के साथ अटैच हो जाएं तो आपकी वर्थ अदारे की वर्थ के साथ अजाफा हो जाती है जैसे कि अच्छे आर्गनाइजेशन हैं होंडा है ट्यूटर है अगर आप उसके एम्प्लॉई हैं यू विल फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेश मोटिवेटिंग लो स्किल्ड मिनिमम वेज इम्प्लाइज इम्प्लाई रिकगनीशन प्रोग्राम एम्प्लाई को रिकग्नाइज करें बेस्ट इम्प्लाई ऑफ द ईयर का अवार्ड दें बेस्ट इम्प्लाई ऑफ द मंथ का अवार्ड दें बेस्ट इंप्लाई ऑफ द क्वार्टर का अवार्ड दें बेस्ट इम्प्लाई ऑफ द वीक का अवार्ड दें इस तरह इंप्लाई आपका मोटिवेट होगा एंड लास्ट प्रोविजन ऑफ सिंसियर प्रेस एम्प्लई की प्रेस जैन करें एम्प्लाई को फील हो कि दे आर प्रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजिंग किस बेस पे इफ द एम्प्लाई सम टास्क तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को आप ज्यादा मोटिवेट रख सकते हैं